बिल्कुल गारंटी के साथ अपने किसान भाइयों के लिए हम बोलेंगे कि जो फसल की काम नहीं करे वो हम मशीन रिटर्न दे दें। अच्छा, जैसे खेतों में पानी लगा है, लवाई करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज गोपालगंज जिला में यानी थावे में, और हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को मानते हैं कि हम रोजगार का जीवन जी रहे हैं। तो बता दें आपको साथियों कि आपके जीवन में बेरोजगारी का दौर खत्म हो चुका है, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर, यानी किसान भाइयों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोग इसको काफी ले रहे हैं, और किसानों के लिए सबसे यूजफुल ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो मशीन है हम इसको बोल सकते हैं, जो ट्रैक्टर बराबर ट्रैक्टर होता है जो खेतों में जुताई कर। साथियों, सिवान शहर में खुल गया है मल्टी स्पेशलिस्ट मार्क हॉस्पिटल, नया बाईपास रोड, उखई मोड़, सिवान, बिहार। रात्रि इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर श्वेता रानी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सेवा दे रहे हैं। नाक, कान एवं गला के हर तरह की बीमारियों का इलाज एवं सफल ऑपरेशन, महिला रोग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज एवं नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हड्डी, जोड़, नस, गठिया एवं लकवा सहित सभी तरह के दर्द निवारण हेतु संपर्क करें, आज ही संपर्क करें। सिवान में मार्क हॉस्पिटल समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। मार्क हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, सिवान, न्यू बाईपास रोड, उखई मोड़, सिवान, बिहार। हर तरह काम करता है, किसे काम करता है, वो सारा काम इसके द्वारा होगा। इसका नाम है पावर बीडर, ये देखिए पावर बीडर नाम है इस कंपनी का, नाम है आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश प्रथा अभी साफ है, यानी कि ये जो कंपनी है समाज के लिए भी बड़ा संदेश देने काम कर रहा है। और हमारी टीम जहाँ पहुंची है, डीलर अबरे आलम जी है, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर मिल रहा है 95-93-96-85। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी भी यहाँ पे है, और साथ ही साथ एजेंसी की बात करें तो कई एजेंसी यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं, स्कूटी का, ई रिक्शा का, और पावर बीडर का, और मिनी ट्रैक्टर का भी काम कर रहे हैं, और लगातार लोगों को बेच रहे हैं। अब जानेंगे किस खासियत क्या है, ये क्या है भैया बताइए, किस तरह का काम कर रहा है, कैसे लोगों को काम कर रहा है ये। सबसे पहले आपको, आपके प्राइम न्यूज इंडिया वाले जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार जी। जी, मेरे तरफ से सलाम जी। ये आईमेक कंपनी एग्रोकल्चर ऐसा पावर बीडर है, हाँ। और ऐसा ये बनाया, हमारे जितने छोटे या बड़े किसान भाई थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हमें समय पे हमारा फसलों की कटाई नहीं हो पा रहा है, मजदूरों की बहुत दिक्कत आ रही थी, या छोटे बिहार है, ये छोटे छोटे खेतों में बड़े ट्रैक्टरों को काम करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, होता भी है। तो हमने उनके लिए उन सब चीजों के ध्यान रखते हुए, हाँ। इस पावर बीडर के अविष्कार यहाँ पे लाने की हमने प्रयास किया और लाए हैं। देखिए भैया का कहना है कि जिस तरह बिहार में खासतौर पर देखा जाता है कि आज बंटवारा का जो जीवन आजकल हर परिवार में देखने को मिलता है, और जमीन छोटी होती है, और छोटी जमीन में बड़ा ट्रैक्टर जाने का संभव नहीं होता है, तो उस लिहाज से कंपनी ने लॉन्च किया है पावर बीडर। आप देख सकते हैं, याद रखिए ये हल का काम होता है, यहाँ पे हल लगता है, और ये पे ये जो ये भी के साथ में लगेगा, हाँ। ये है 4 फीट में हमारा रोटावेटर है, रोटावेटर भी है, 4 फीट का ये रोटावेटर है। कितने का ये है? ये 65,000 का है, विद सेल्फ स्टार्ट, 8 HP इंजन में, और आधा लीटर प्रति घंटा इसका पेट्रोल का खपत है, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है जी। अच्छा, और ये लोग चला लेता है, माने इसे बड़े बड़े बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, हाँ। बड़े ही आसानी से, हमने देखा कि आप वीडियो में हैं, आपको वीडियो दिखाइए सर। देखिए ये वीडियो भी बना चुके हैं, जो ट्रैक्टर में बच्चे चला रहा है, मतलब किसान के जो परिवार के जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं खेतों में काम करते हैं, और वो भी जुताई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मूवमेंट है कि ये जो ये पावर बीडर है ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए काफी यूजफुल हो चुका है। देखिए यहाँ पे परसूबी का स्कूटी भी है, और कई देखिए ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है, लाइव में दिखा रहा हूँ, लाइव देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए ये जिस तरह से बच्चे काम कर रहा है, यही पावर बीडर है जो कि खेतों में काम करके किसान अपने अनाजों को उगा सकते हैं, और उसे हम लोग खाते हैं, किसान ना उसे इनकम मिल सकता है। पर डे 2000 प्राइस कितना इसकी? ये 65,000 का है, हाँ। इसे वाटर पंप चलाएं, स्प्रे मशीन चलाएं, वाटर पंप चलेगा, ट्रोली चलेगा, और ट्रोली इस पे वाटर चल रहा जी। देखिए भाई बता दे, इससे जुताई हो सकता है, वाटर पंप चल सकता है, और देखिए यहाँ देखिए बड़े ही आसानी से चलेगा, हाँ। यही है जी, यही है।
दाम कितना है? 65,000। मतलब बोले ना, झूठ नहीं बोले ना? बिल्कुल नहीं बोले हैं साहब। वाह, 65,000 महीने में कोई कमा सकता है? 20,000-10,000 कमा सकता है आराम से। 25,000-30,000 आप सीजन वाइज कमाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या, ये क्या, ये क्या है? थोड़ी है, उसको कोई भी संभाल नहीं सकता है। बिल्कुल कहीं भी ले जाइए आप, प्लेन रोड में 8 क्विंटल, खेतों में 5 क्विंटल, आप बड़े ही आसानी से पाँच क्विंटल आप खाद बीज इस पे लोड कीजिए, खुद भी बैठिए। आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आप बात करेंगे कि ये पावर वीडियो हो गया, उसके बाद से और भी सामान आपके इलेक्ट्रिक के स्कूटी हो गया, ई रिक्शा हो गया, क्या क्या अवेलेबल? जिंदल का सगुन है, ये ई रिक्शा जी बताइए क्या क्या? जिंदल कंपनी का सगुन नाम से ई रिक्शा है, अपने आप में बहुत ही अच्छा इस ई रिक्शे का परफॉर्मेंस है। क्या क्या आपके पास चीजें अवेलेबल है जो मोबाइल स्क्रू दिखा सकते हैं, क्या क्या सर है? मेरे पास स्कूटी है, ई स्कूटी परसुगी मोटर्स का जी, जिसे हम 1 साल से ये बेच रहे हैं। हाँ। अभी तक हमारे पास एक भी किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं आया है जी। सगुन का ई रिक्शा 2 साल से हम बेच रहे हैं। हाँ। ये जिंदल का सगुन जो ई रिक्शा है 2 साल से लगभग 71 गाड़ी बेचे हैं हम। हाँ। अभी तक एक भी गाड़ी का कोई कंप्लेंट नहीं। आपके पास NM इलेक्ट्रिक स्कूटी में स्कूटी है, ई रिक्शा है जी, और जी, और एक चीज ये इसे रिपर बोला जाता है, बड़े ही आसानी से धान गेहूं बाजरा मक्का आप कटाई कीजिए। हाँ। जो हम आपको बोल रहे हैं बिल्कुल हाँ। गारंटी के साथ अपने किसान भाइयों के लिए हम बोले हुए हाँ। कि जो फसल की काम नहीं करे वो हम मशीन रिटर्न दे दें। अच्छा। जैसे खेतों में पानी लगा है, लेवाई करना है, हमारे आम देहाती भाषा में लेवाई उसे बोला जाता है। अभी धान का सीजन है, लेवाई करने की आवश्यकता है, तो आप हमारे इन पावर बीडर से जहाँ ट्रैक्टर चलेगा वहाँ हमारा पावर बीडर भी चलेगा। जहाँ ट्रैक्टर चलेगा पावर बीडर भी चलेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसी काम करेगा? बिल्कुल, ट्रैक्टर के बराबर काम करेगा। एक थ्रेसर ही बड़ा नहीं चला सकता है, बाकी किसान को, किसान भाइयों के लिए एक कट्ठा खेत कितने घंटा में जोत सकता है? एक कट्ठा आपका 4 फीट का रोटर है इसका। हाँ। हमारे किसान भाई भी बड़े ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। हाँ। कि 4 फीट का रोटावेटर है, 2 घंटे में 1 बीघा की जुताई होगा। 2 घंटे में 1 बीघा? 1 बीघा की जुताई करेगा, यानी 20 कट्ठा जी। क्या बात है। देखा जाता है कि आमतौर पर ट्रैक्टर जो चलाता है ज्यादा नौजवान या बड़े बुजुर्ग होते हैं जी, वो लोग चलाते हैं जी। लेकिन इतना बड़ा आपकी माइंड में कहते हैं ये चीज करने का कि बच्चा भी चलाकर खेत जोत सके? हाँ। ये कहते हैं आपकी माइंड? जैसे मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। अच्छा। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे खुद की जो जमीने हैं कहीं कहीं बहुत छोटे हैं जी। तो हमारे माइंड में आता था बड़े ट्रैक्टर वाले हैं, वो चलना सीधा है तो मेड़ भी जोत देते हैं, जो बांध होता है बांध को भी वो उखाड़ देते थे। तो हमने सोचा ये समस्या के समाधान कैसे होगा, कब तक होगा जी। तो ये हमारे सर जो IMEC कंपनी एग्रोकल्चर डिपार्टमेंट से है वो यही विजिट किए थे। हाँ। तो उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाया अपना, फिर हम उनके प्लांट विजिट किए, उसके बाद ही हमें लगा कि हमारे किसान साथियों के लिए हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट मशीन है। देखिए लेवाई हो रहा है, ये लेवाई हो रहा है ना इसी से जी, जी नहीं है जी जी, ये लेवाई कर रहा है जी, खुद ये लेवाई बिल्कुल नहीं करेगा, आप मुझे रिटर्न दे दीजिए। क्या बात है, क्या आप इतने एग्रीमेंट हम इसके साथ दे देंगे। हाँ। इसके अटैचमेंट। हाँ। आलू भी, आपको आलू लगाना है। हाँ। वो देंगे, गन्ना का बिजाई करना है, गन्ने के खेत से घास निकालना है। हाँ। उसका नाला फाड़ना है। हाँ। और ये अपना मक्की सरसों धान गेहूं लगाने की एग्रीमेंट भी इसके साथ हम दे देंगे। क्या बात है। तो साथियों बता दें कि हमारी टीम पहुंची है ठाव में, जहाँ पे IMEC कंपनी का आप ये जो आप ले सकते हैं पावर मीटर ले सकते हैं, रोटावेटर के साथ साथ हर तरह काम कर सकते हैं। इससे आप लेवाई बुवाई कटाई हर चीज कर सकते हैं, जुताई भी कर सकते हैं और कटाई भी कर सकते हैं। मेन इसका पर्पस है कटाई और जुताई, किसान भाइयों की जो समस्या है जी, ये उसमें जी जी, ये उसमें रहेगा जी जी, ये उसी का रिपर है। उसी इसका प्राइस कितना है? इसका 45,000 है और उसका 65,000 है। दोनों से अलग अलग है? अलग अलग, मतलब उसी में लगेगा? उसी में लगेगा। और चाहे तो कोई और उस पंप से, उस मतलब पावर मीटर से जी जुताई कर रहा है जी, बुवाई कर रहा है जी, पंप चला रहा है जी, स्प्रे मशीन पंप चलाइए, स्प्रे मशीन चलाइए, आप चाहे तो ये सर्विस स्टेशन जैसे बैठा रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, 50,000 1,00,000 2,00,000 रुपए लगा रहे हैं। वाह। आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक सिर्फ 12-13 हजार का आम
पंप आएगा उसका, वो पंप लगाना है इसके साथ स्प्रे पंप, और उससे आप अपना स्प्रे मशीन भी गन भी लगा लीजिए, और ये धुलाई करने की भी गन फिटिंग कर लीजिए, और बड़े ही आसानी से होगा। प्रति घंटा आधा लीटर पेट्रोल का खपत है, प्रति घंटा आधा लीटर पेट्रोल का खपत है। दूसरा है कि किसानों भाइयों, किसान भाइयों के लिए जो लग रहा है कि ये मशीन असफल है, बड़े थ्रेसर जैसे हमारे यहाँ दौरी हो गया गेहूं का, वो काम छोड़कर जो काम हमारी मशीन नहीं कर रही है आप हमें रिटर्न दे दीजिए। एक चलता फिरता तो दुकान नहीं है, मैं एक शोरूम लिया हूँ, बड़े ही जवाबदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। जो मेरे किसान साथी 50 किलोमीटर के अंदर में है, अगर ये किसी भी तरह का कोई भी पावर बिल्डर में डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी खराबी आ रही है, मेरा यहाँ से मैकेनिक 3 घंटे के अंदर सर्विस देकर आएगा। होम सर्विस है, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग बोलते हैं सर होम सर्विस, लेकिन सब लोग अपने जबान लोग सर भरोसा करते हैं। मेरे पे इसलिए भरोसा किया जाए कि जो मैं बिल दूंगा, जो अपने बिल्डर का बिल दूंगा, उस पे आप मेरे से लिखित में ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरा गिरवान पकड़ लीजिए, या ब्लेम उससे हमारे पर क्लेम कीजिए कि हमारा मशीन इतना दिन होल्ड रहा। हमारे माध्यम से लोग आते हैं तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? आपके माध्यम से सर जो भी आएंगे उनके लिए 3000 का डिस्काउंट, सिर्फ ये प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से जो भी आते हैं हमारे किसान भाई, जो भी आपके दर्शक आएंगे आपका नाम रखेंगे, स्पेशली हम 3000 का डिस्काउंट देंगे। 3 चैनल पे चल रहा है, आपको करना होगा सर। जी बिल्कुल, जो हमने स्पष्ट एक बार आप लोगों के माध्यम से कह दिए, नाम और सिर्फ रख दें, हम 3000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। प्लस होम सर्विस नहीं खरा उतरने का रीजन है कि लोगों की मानसिकता खराब है, लोगों की मानसिकता खराब है। हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे, अगर नहीं खरा उतरे तो अगर एक भी हमारे किसान भाई आपके पास कंप्लेंट करें तो आप हमारे मशीन को लगा कर महीने के 30-40 रुपए कमा सकता है। बिल्कुल बढ़िया आसानी से 65,000 रुपए लगाइए जी, और कहीं ना कहीं महीने में जी आप 40,000-30,000 रुपए कमा लीजिए। 2 महीने में पैसा सब जाएगा जी, उसके बाद आपको सालों साल चलेगा। कितने साल कमा लीजिए? 1 साल की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसका अनलिमिट है, ये कितने साल चलेगा। आप टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, चलाइए। हमारे किसान भाई सभी लोग जानते हैं इस बात को कि ये हमारी मशीनरी है, इसको सर्विस कराएंगे तो ये कई सालों तक चलता है। मशीनरी कोई जल्दी खराब नहीं होता है। स्कूटी में जो से आया हुआ है ओला जैसा, वो कौन सी? परसुई मोटर्स का है। सर हमने 1 सालों में ये 25-26 गाड़ियां हमने बेचा हुआ है परसुई मोटर्स का। अभी तक इन गाड़ियों में से किसी का भी एक भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आया। अच्छा, जैसे में ये है हमारे शोरूम का ही ये पिक्चर है, इस कलर की है, ओला टाइप में। तो देखिए साथियों, हमारी टीम पहुंची है एमएम इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी में, जहां पे हर प्रकार ये मॉडल हो गया। हाँ, ये वो है, ये एक ये मॉडल है जी, और एक ये कितनी है? ये 70,000 की है। हाँ, एक चार्ज में 80 किलोमीटर चलेगी एग्जैक्ट 70 में जी, यानी सिवान से भोपाल जा सकते हैं बड़े ही आसानी से आए जाए। हाँ, आप इसका जैसे जॉब जो करने वाले हैं, जो जी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो जॉब करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये स्कूटी है। हाँ, और बड़े ही कंफर्टेबल है। कितना प्राइस है इसका? 70,000 की है। एक और बोल रहे थे जी। हाँ, ये वही मॉडल है, ये है आपको, ये 70,000 में देंगे लिथियम बैटरी के साथ। अच्छा जी, इसका लीवी जी, इसका लीवी नाम से ये गाड़ी है जी। इसका हमारे पास ओपिया एक मॉडल है, एक वेरिएंट है, इसका नाम ओपिया है। वो भी अपने आप में जैसे हमारी माँ बहने बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं या कहीं जॉब करती हैं, उनके लिए बड़े ही बेहतर मशीन है ये स्कूटी है। और एक ये है हमारे भाई जी, जितने बड़े 3 आदमी बैठे इस पे, लेकिन 2 आदमी के लायक बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है। जी रियर केस में 3 आदमी बैठ सकते हैं। और आगे बात सुविधा, ई रिक्शा हमारे पास जिंदल का शगुन नाम से है। हाँ, जो कि आप देख पा रहे हैं अभी तक एक भी ई रिक्शा में किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सेल होने वाला गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि चंद दिनों में बहुत ज्यादा अगर सेल हुआ है तो ये
शगुन का जो जिंदल का शगुन है यही रिक्शा हुआ है। सूर्य गोपाल रत्न है सबसे बिकने वाला भी कंपनी है जिंदल का। जिंदल का शगुन, जिंदल का शगुन जी। तो मार्केट में इसकी प्राइसिंग कितनी है? ये सर हम 1,65,000 में दे रहे हैं स्टील बॉडी, 135 एम्पियर बैटरी, ईस्टमैन का 15 महीना की गारंटी दे रहे हैं, और जो चार्जर है ईस्टमैन का इसका 2 साल की हम गारंटी दे रहे हैं चार्जर का। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अबरे आलम हुआ। अबरे आलम जी, इसका डीलरशिप के आप ओनर हैं जी। आपके लिए नूर आलम जी कौन है? फादर साहब है हमारे जी। अभी कहाँ है? ये घर पे है। आपके सपने को साकार करने में आपकी पिताजी की बड़ा भूमिका रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो एजेंसी खुला है उनके माध्यम से खुला हुआ है। और क्या सुनने देना चाहेंगे समाज में? आप एक बिजनेसमैन के रूप में उभरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक पूंजी तरीके से अपने आप को सुबित करा है, और जो आजकल यही वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके रोजगार पा सकते हैं और लोग रोजगार भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बड़े ही आसानी से। देखिए, एक सबसे पहला आपका उत्तर दे दें कि जो माँ बाप की भूमिकाएं होती है वो हम आप जैसे लड़कों के लिए बहुत ही, इस सृष्टि के ऊपर जितने भी मानव हैं उन सब के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान है माँ बाप। रहा सवाल हम इन्वेस्टमेंट करने की, हमारे पास हम किस मेरिट से हैं, हमारा मेरिट क्या है, हम किस कैरेक्टर के हैं, उस पर डिपेंड करता है कि माँ बाप पैसे दे रहे हैं तो हम उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, क्यों है वो हमारे अंदर कमी है तब है। अगर हम उन पैसों को, थोड़े से पैसों को अगर अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा तरक्की कर पाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा माँ बाप की अगर सपोर्ट रहा तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने है स्कूटी है, ई रिक्शा है, और ये पावर वीडर है। चलिए, आइए मैं चाहूंगा एक बार और दिखा दूं। ये है इसको रिपर बोला जाता है, जो कटाई के लिए काम आता है गेहूं धान। जमीन से ये देख लीजिए, ये बड़े ही मजबूत है। ये जमीन से इसे सीधा करेंगे हम, ये जमीन से मात्र 1.5 इंच छोड़कर ये हमारा धान गेहूं का फसल जो है वो काटेगा। जो गिरा हुआ है हम हाथों से ऐसे इकट्ठा करते थे, वो ये चीज करेगा, गिरे हुए जो हमारे पौधे होते हैं गेहूं का या धान का, और जो खड़े हैं उसको ये, और बड़े ही आसानी तरीके से ये इसके रोड लगाया गया है, इसके माध्यम से ये लाकर बहुत ही आराम से रख पाता है ये। क्या बात है। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसमें से 2 सेट बेचे भी हैं हम, ये 2 भेज दिए हैं। एक ये फिटिंग नहीं होने के कारण ये मशीन नहीं गया उसका। और आपका में स्टॉक हमारे पास भरपूर है। देखिए, तो हमारी टीम पहुंची है आज गोपालगंज थाने में, जहां पे पावर बिल्डर का जो लोग है, जो डिजाइन है, जो वर्क है, ये बनाया जाता है। आप देखिए, तमाम लोग यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे एक ही एजेंसी में, देखिए एक ही एजेंसी में प्राइम जिम्मे के तहत हमारी टीम दिखा रही है। आईमेक कंपनी मॉडल नंबर S300 7.75 एग्रीकल्चर। और देखिए यहाँ पे हर तरह का लाइट भी दिया गया है। क्या बात है, लाइट भी है, चक्का भी मजबूती है, सेम ट्रैक्टर की तरह। ये ट्रैक्टर की तरह बड़ा ही फोक्स है इसका। बहुत अच्छा फोक्स है ये लाइट का जी। इससे आप एक बड़ा ट्रोली नहीं चला सकते हैं और बड़ा थ्रेसर, उसके बाद आप कृषि से संबंधित जितने काम है बड़े ही आसानी से सभी कामों को कर पाएंगे। जो नहीं करेगा आप मुझे मशीन रिटर्न दे दीजिए, इतने जवाबदारी के साथ वही बोलेगा। हमारा सर ये बेदू टोला जी, ये हमारे शोरूम है उपस्थित नियर गोपाल। आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मोबाइल नंबर हमारा 9523968585। चलिए।